आखिरकार लंबे समय से कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों को लेकर चल रहा सस्पेंस गुरुवार को खत्म हो गया। जी हां, कई दौर के मंथन के बाद पार्टी ने प्रदेश में 19 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिनमें कई नामों ने दिग्गजों को चौंकाया है तो कई ऐसे उम्मीदवारों की घोषणा भी की गई है जो फिलहाल अभी विधायक है। पार्टी ने अधिकतर सीटों पर उन्हीं दावेदारों को तरहीज दी है जो विपक्षी दावेदारों के मुकाबले मजबूत हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जोधपुर सीट पर हो रही थी, जहां काफी चर्चा के बाद केंद्रीय नेतृत्व में सीएम गहलोत ने की सहमति के बाद वैभव गहलोत को मैदान में उतारा गया है। तो वहीं बीकानेर एससी एसटी पर मदन गोपाल मेघवाल, चूरू से रफीक मंडेलिया, झुंझुनू से श्रवण कुमार, सीकर से सुभाष महरिया, तो जयपुर से पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल, अलवर से जितेंद्र सिंह, भरतपुर से अभिजीत कुमार जाटव, करौली धौलपुर से संजय कुमार जाटव को उम्मीदवार बनाया गया है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ। जी अनिल जी, ये बताएं कि कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान सरकार के जो मौजूदा मंत्री हैं उनको इस लिस्ट में उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला, तो क्या कांग्रेस अपना मास्टर स्ट्रोक बची हुई 6 सीटों पर खेल सकती है? हाँ, भीलवाड़ा और अजमेर बाकी है जो इम्पोर्टेंट सीटें, और 31 सीटें जयपुर ग्रामीण, जिन पर पार्टी के दिग्गज चुनाव लड़ सकते हैं। भीलवाड़ा में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी पहले सांसद रह चुके हैं वहां से, और शायद डॉक्टर सीपी जोशी को फिर से बात की जा रही है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहें तो भीलवाड़ा से लड़ लें। इस तरह अजमेर से डॉक्टर रघु शर्मा और सचिन पायलट दोनों समय समय पर सांसद रह चुके हैं जी, तो अभी अजमेर और भीलवाड़ा दोनों को अभ्यर्थ में रखा गया है। और जयपुर ग्रामीण पर लालचंद कटारिया वर्तमान सरकार मंत्री, पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं यहाँ से जीत के, उनको भी उतारने की चर्चा है। तो तीन तीन सीटों पर जो भी चुनाव में प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुआ है, इन पर यह माना जा रहा है कि हो सकता है किसी दिग्गज को पार्टी उतारे जो वर्तमान में सरकार में मंत्री हो या स्पीकर हो विधानसभा के। और राजसमंद में अभी फिलहाल बीजेपी के प्रत्याशी की प्रतीक्षा है जी। अभी अगर दिया कुमारी उतरती है बीजेपी से तो कांग्रेस से बिल्कुल स्थानीय व्यक्ति को उतारेंगे, किसी को हो सकता है स्थानीय राजपूत उतारे, और राजपूत समाज में मेवाड़ वर्सेज जयपुर घराने की जो सदियों पुरानी प्रतिस्पर्धा है, प्रतिद्वंदिता है, उसको देखकर फैसला किया जा सकता है। इस बीच का सबसे चौंकाने वाला फैसला तो है गोपाल सिंह ईडवा को जी राजसमंद से टिकट ना देकर चित्तौड़ से टिकट देना, तो उनको कर्म हुई नहीं है, लेकिन राजसमंद से वो सांसद रह चुके थे और वहां भी मेरठा में, जैतारण में 3-4 विधानसभा क्षेत्रों में उनका अच्छा संपर्क था, लेकिन उसके बावजूद वो क्षेत्र छोड़ गए और चित्तौड़गढ़ चले गए जहाँ के लिए वो इतने नए हैं। तो चित्तौड़गढ़ में पार्टी बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, फिर भी ये प्रयोग किया गया क्योंकि वो बहुत ही नजदीक है सचिन पायलट की पीयूष सीट के। इसके अलावा जो टिकट मिले हैं वो उनमें दो जाटव को टिकट दिया गया है भरतपुर से भी और थरपुर करौली से ही। बैरवा समाज बहुत नाराज है, प्रदर्शन कर रहा है आज कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर, और करौली धौलपुर से बैरवा को टिकट मिलने की बात थी, वहां जाटव को दिया गया और भरतपुर में भी जाटव को दिया गया। तो ये कोली, बैरवा और जाटव में से किन्हीं दो समाजों को दिया जाता है दोनों सीट पे, लेकिन दोनों सीट पे एक ही समाज को दे दिया गया, इसलिए कोली और बैरवा या तो भाजपा से ऐसे नाम आने वाले हैं इनका अंदाजा होगा इनको, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए ऐसा किया गया। तो अभी ये देखना बाकी है कि बैरवा समाज को कैसे कांग्रेस संतुष्ट कर पाती है। 4 ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जो विधानसभा चुनाव हारे हैं, क्योंकि पहले कहा गया था विधानसभा चुनाव लड़ने वालों को टिकट ही नहीं दिया जाएगा। इनमें श्रवण कुमार को झुंझुनू से टिकट दिया गया, रघुवीर मीणा को उदयपुर से टिकट दिया गया है, और रतन देवासी को जालौर सिरोही से टिकट दिया गया है। तो 4 ऐसे लोग हैं जो विधानसभा चुनाव हारे और टिकट पा गए। एक विधायक को टिकट दिया गया है राम नारायण मीणा को, जो पहले भी कोटा से सांसद रह चुके हैं, जो पहले देवली से विधायक रह चुके थे और बूंदी में भी एक सीट से विधायक रह चुके थे। तो इससे बूंदी और कोटा एक ही सीट है दोनों मिलाकर, जिले मिलाकर, अभी वो पीपलदा से विधायक है इस वक्त। तो कोटा की 2 सीट पे ऑलरेडी वो चुनाव लड़ चुके, जीत चुके, सांसद भी एक बार रह चुके कोटा से, इसलिए उन्हें उतारा गया। भंवर जितेंद्र सिंह एक बार फिर मैदान में, केंद्र में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं और राहुल गांधी के सखा है, उनका मुकाबला
बीजेपी का प्रत्याशी भी घोषित नहीं हुआ हालांकि, लेकिन मैं बालकनाथ के उतरने की उम्मीद है, उनके होने की पूरी संभावना है। जी अनिल जी, ये बताएं कि अब भाजपा के 16 और कांग्रेस के 19 सीटों पर स्थिति बिल्कुल साफ है, तो कौन सा उम्मीदवार कहां से भारी पड़ सकता है? अभी कहना मुश्किल है क्योंकि इलेक्शनिंग शुरू नहीं हुई, कौन कैसे चुनाव को शुरू मानता है ना, राजस्थान में चुनाव मानना, तो चुनाव की शुरुआत कौन कैसे किस स्ट्रेटेजी के साथ करता है, जन समर्थन मिलता है नहीं मिलता है, पार्टी एकजुट होती है नहीं होती है, कोई इंटरनल इनफाइटिंग होती नहीं होती, जैसे मानवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया बाड़मेर जैसलमेर सीट से, तो क्या हरीश मीणा उनका साथ देंगे, ये भी प्रश्न है, और बीजेपी का कैंडिडेट कौन आएगा ये भी एक प्रश्न है। जोधपुर इस वक्त सबसे हॉट सीट होगी राजस्थान की, इसमें कोई दो राय नहीं, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं वापस से एक बार फिर, जोधपुर यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, काफी मधुभाषी है, लेकिन उनका मुकाबला अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनके बेटे वैभव गहलोत से है, जो इस वक्त पीसीसी के सचिव भी है, खुद वो भी बहुत मधुभाषी है, और अशोक गहलोत ने पिछला चुनाव जब लड़ा था विधानसभा का, तो वो एक बार शुरू में नामांकन दाखिल करने गए, आखिर में वोट मांगने गए, पूरे चुनाव मैदान में वो मैदान में थे नहीं, वैभव गहलोत ने कमान संभाली थी, तो राजनीतिक रूप से भी वो इस वक्त मैच्योर दिखाई देते हैं, तो वैभव गहलोत और सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखावत सबसे हॉट सीट होगी इस चुनाव में राजस्थान की। जी जी, अगर बात करें अलवर सीकर और पाली लिस्ट जो सीट है उसकी, तो इस लिस्ट में 2014 में जो आम चुनाव में प्रत्याशी हारे थे उन्हें पुनः उन्हीं सीटों से उतारा गया है, तो ये कितना फायदेमंद हो सकता है पार्टी के लिए? देखिए वो चुनाव तो बिल्कुल मोदी लहर का चुनाव था, उस वक्त के वोटों को आज के हिसाब से नहीं देखा जा सकता, और अभी विधानसभा चुनाव में भी जैसे अलवर में तो लोकसभा उपचुनाव हुआ था एक साल पहले सवा साल पहले, तब बीजेपी पूरी तरह हार गई थी 2 लाख वोट से, तो इसलिए फिर उसके बाद में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस को वैसी सफलता नहीं मिली जैसी लोकसभा उपचुनाव में मिली थी, तो अभी ये पर्सन टू पर्सन भी डिफर करेगा और अवसर पे भी डिपेंड करेगा कि विधानसभा चुनाव में लोगों ने क्या सोच के वोट दिया, वसुंधरा राजे सरकार के सामने रेफरेंडम था, उनको सीएम बनाना है नहीं बनाना है इस पर वोट था, अब मोदी को पीएम बनाना नहीं बनाना इस पर वोट है, भंवर जितेंद्र सिंह मैदान में है इसलिए भंवर जितेंद्र सिंह वहां के राजा रह चुके हैं, राज परिवार के सदस्य हैं, उनके पिताजी युवराज प्रताप सिंह के प्रति बहुत सम्मान है वहां के लोगों में, तो वो भंवर जितेंद्र सिंह एक अलग तरह का की ओनरशिप रखते हैं अलवर सीट पर जी। तो बालकनाथ अगर आएंगे तो वो हरियाणा से आएंगे, चांदनाथ का साया उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चांदनाथ उनके गुरु थे जिनकी गद्दी पर वो अब बैठे हैं, चांदनाथ यहाँ सांसद थे, कोई काम नहीं किया उन्होंने 5 साल तक, इसी वजह से बीजेपी को पराजय का मुंह देखना पड़ा, चांदनाथ का इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बालकनाथ को चांदनाथ का इतिहास जो है वो उसकी छाया से वो मुक्त नहीं हो पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। जी ये बताएं कि भाजपा के 16 नामों में हमने देखा कि फिलहाल एक भी महिला को मौका नहीं दिया गया है, और एकमात्र जो मौजूदा सांसद संतोष अहलावत का भी टिकट काट दिया गया है, लेकिन कांग्रेस की इस लिस्ट में 3 महिलाओं को मौका दिया गया है, तो क्या महिला वोटरों को रिझाने की कोशिश? नहीं, वो ज्योति मिर्जा ऑलरेडी सांसद थी, रिझाने की कोशिश क्या है, ज्योति मिर्जा पहले सांसद थी, दोबारा फिर उनको टिकट दे दिया गया, और बाकी जो टिकट दिए गए वो इसमें सबसे बड़ी बात ये कि एक विधायक की पत्नी है, मुरारी मीणा की पत्नी जी, दौसा में जी, और सामने भी दूसरे विधायक की पत्नी आने वाली है, शायद ओम प्रकाश हुड्डा जो निर्दलीय विधायक है मोगा से, बीजेपी के पहले विधायक रह चुके, उनकी पत्नी को प्रेम प्रकाश को उतारने की बात है, प्रेम प्रकाश हुड्डा को, हो सकता है 2 देवियां हो, और तीसरी गोलमा देवी अगर मैदान में आ जाए तो 3 देवियों के भी चुनाव हो जाए, ये भी संभावित है दौसा में, तो किरोलाल मीणा ओम प्रकाश हुड्डा के भी विरोधी है और किरोलाल मीणा के विरोधी मुरारी मीणा भी है, तो सबसे ज्यादा दौसा के इलाके की राजनीति के सबसे बड़े दिग्गज जो राज्यसभा के सांसद है इस वक्त दिल्ली से, मुरारी मीणा सबसे ज्यादा ऐसे वो होंगे चुनाव टिकट रिटर्न से, अगर बीजेपी ने वही टिकट दिया जिसका की वहां पे चर्चा चल रहा है सब। जी अनिल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी, जो फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ।